गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा मैथ और चैप्टर है हमारा 3। ये चैप्टर 3 की एक्सरसाइज है हमारी 3.1 पार्ट 1। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। वो आ जाएगी, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ठीक है? मैंने ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा है। इस पहले क्वेश्चन में हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो इस चैप्टर को समझिए। थर्ड जो चैप्टर है उसमें हमें रेंज निकालनी है, ठीक है? क्या निकालनी है? रेंज निकालनी है। रेंज कैसे निकालते हैं? मान लीजिए आपसे बोला जाए कि आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, एक आपका 16 का 16 ईयर है, 16 तो ज़्यादा हो जाएगी आपकी क्लास में, एक आपका 10 ईयर है, एक 11 है, एक 10 है, एक 9 है, एक 11 है, तो इस तरीके से कुछ स्टूडेंट है। मान लीजिए हमने ये 5 लिया है, ये डेटा कितने लोगों का है? 5 लोगों का। अगर हम इसका रेंज निकालेंगे या एवरेज निकालेंगे, कैसे निकालते हैं? 9 1 10 1 11, 1 हमारा कैरी गया, 1 2 3 4 5 51, और ये है कितने टोटल? 5, तो यानी 51/5, ठीक है? इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? रेंज निकालते हैं। ठीक, तो आपको करना क्या है, सेम देखिए, जब हमें क्या निकालना हो, रेंज निकालनी हो, तो क्या करते हैं, हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारी रेंज आ जाती है। जैसे मान लीजिए, चलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं हम। हमने क्या करा, 10 स्टूडेंट की हाइट थी, तो कुछ भी ले लीजिए, हम स्टार्ट कर देते हैं 150 से। हमने एक की 150 ले ली, ये हमने ली है, आप ज़्यादा या कम ले सकते हो। एक की 130 ले ली, एक की 152 ले ली, एक की 162 ले ली, एक की 121 ले ली, और 153, 161, 142, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 133, 164। ये हमने क्या ले ली, कुछ हाइट ले ली। ये हमने सपोज किया है क्योंकि आप क्लास में हो नहीं, आप होते तो हम आपकी हाइट ले लेते, लेकिन हमने क्या करा, अपनी मन से कुछ हाइट ले ली। अब हमें रेंज निकालनी है। रेंज क्या करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट होती है, सबसे हाईएस्ट क्या है, 164, और सबसे लोएस्ट क्या है हमारी, 121, तो इसके माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, हमारी रेंज आ जाएगी, ठीक है? क्या निकालनी है, रेंज। क्या लिखेंगे, हाईएस्ट 164 माइनस के 121 34, ठीक है? क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमें कुछ डेटा दिया गया है, ठीक है? हमें ये करना है, इसे टैबलर फॉर्म में बनाना है। टैबलर फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखिए ध्यान से, टैबलर फॉर्म में बनाने के लिए ठीक
तो सबसे पहले हमारे क्या लिखा जाएगा, देखिए क्या नंबर, किसके नंबर दिए हमें, क्लास क्लास के, ठीक है। फिर सेकेंड, फिर हमें क्या करना है, इसे काउंट करना है, यानी टोटल, और टोटल से पहले हमें टेबुलर फॉर्म में करना है, तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी पहली चीज। अब देखिए क्या है हमारा, इसमें हमें क्या करना है, देखिए पहले सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, 1 2 3। तो सबसे पहले हमारे 1 है, 2 है, 3 है, और क्या क्या है इसमें, 4 5 4 भी है, 5 भी है, 5 के बाद 6 7 8 9, सभी वैल्यू है 6 7 8 9। अच्छा अब इसमें 1 काउंट कीजिए, 1 कितने हैं, आपको बुक में दिखाई दे रही होगी, सभी बच्चे 1 काउंट करके बताइए, 1 कितने हैं, 1 कितने हैं, 1 ही है, ठीक है। 2 कितने हैं, 2, 3, 3 को देखिए कितना है, 3 कितने हैं, 1 ही 3 है, तो 1, 4 कितने हैं, 3, ठीक है। इस लाइन में मतलब कितने 4 है ये हमें काउंट करके यहाँ लिखना है। 5 कितने हैं हमारे, 5 5 है, 6 हमारे 4 हैं, फिर 7 कितने हैं, देखिए एक लास्ट में और एक थर्ड तीसरे डिजिट पे है, तो कितने हैं, 2, 8 भी 1 है, 9 भी हमारा 1 है, ठीक है। फिर इसकी जो टैली चिन्ह होता है, टैली चिन्ह लिख लीजिए, टैली साइन, चलिए 1 कैसे लिखते हैं, 1 4, 1 2 कैसे लिखते हैं, सभी को लिखना आता होगा, 1 1 2 3 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4, 1 2 1 1। ये क्या हो गया हमारी टैबलर फॉर्म, क्या हो गया हमारा ये टैबलर फॉर्म। अब हमें बताना क्या है, फर्स्ट है हमारा विच नंबर इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट नंबर कौन सा है हमारा, 9, कौन सा है, 9, ठीक है। सेकेंड में बताना है हमें विच नंबर इज द लोएस्ट, लोएस्ट नंबर कौन सा है हमारा, 1। व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा, थर्ड में क्या बताना है, चलिए यहां लिख देते हैं, थर्ड में क्या बताना है, रेंज, रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस कर देते हैं, तो कितनी रेंज आ गई, 8। फिर है फाइंड द अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अब क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स हैं इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे 4 4 प्लस 6, क्या 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस, जितने भी नंबर है ना इसको ऐड करते चले जाएंगे, जब इसको ऐड करने के बाद जितना टोटल आएगा, ठीक है, काफी लंबा हो जाता है इसलिए मैंने टोटल करके लिख लिया। आपको ये पूरी लाइन लिखनी है, लिखने के बाद टोटल कितना आएगा इसका, आपका 100, और ये वैल्यू कितनी है, 20, ठीक है। इनका जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा 100 टोटल आएगा, और वैल्यू यानी 1 2 3, ये कितनी डिजिट है, 20, इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 5, ये मीन आ गया, ठीक है। क्या आया, ये मीन, सभी को समझ में आया। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर, ठीक है। क्या करना है हमें, फाइंड करना है मीन, मीन फाइंड करना है, ठीक है, क्या फर्स्ट 5 होल नंबर, तो क्या लिखेंगे,
कौन कौन से होते हैं जल्दी बताइए, फर्स्ट फाइव होल नंबर जल्दी बताइए आप कौन कौन से होंगे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 यही होंगे, 5 हो गए टोटल करके बताइए कितना हो गया, 10। कितने नंबर हैं, 5। कितने नंबर है, 5, डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 1 2 3 4 5 और टोटल 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10 कितना आ गया, 2। क्लियर, इजी है, समझ में आने लगे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आ क्रिकेटर स्कोर ऑफ द फॉलोइंग रन इन 8 इनिंग, ठीक है, तो इसको देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें जो इनिंग है वो कम है तो मैं इसे लिख देती हूँ, 58 है, 76 है, 40 है, 35 और 46 है, 35 एंड 46। नेक्स्ट है हमारी 45 0 और 100, 45 0 और 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनिंग है, इसमें हमें निकालना क्या है, मीन निकालना है, मीन निकालने के लिए टोटल स्कोर अपॉन टोटल डेबिट। अब देखिए इनको ऐड कीजिए, देखिए 100 में ऐड कीजिए 0 तो 100 ही रहा, फिर 45 46, जब इन सभी को आप ऐड करोगे तो हमारा जो टोटल कितना आएगा, 400, कितना आएगा, 400 आएगा। 400 को हमें डिवाइड करना है किससे, कितने डिजिट है ये, 8, किससे, 8 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, 50। क्लियर है, आगे बढ़े, इसी तरीके से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका टेबलर फॉर्म में दे रखा है, तो देखिए इसे कैसे करना है, फाइंड द मीन ऑफ डिटरमाइन एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर बाय द स्कोर पर गेम, ठीक है, ए के हमें नंबर्स निकालने हैं, तो ए के नंबर्स कैसे निकालेंगे, 14 + 16 यानी 13 13 और 10, 14 14 और 10, 15, ए में यही डिजिट दे रखी है, कौन कौन सी दे रखी है, 14 + 16 + 10 + 10, यही है आपकी, ठीक है, और इसमें क्या निकालना है, पर गेम, तो ये कितने डिजिट है, देखिए कितना टोटल आया, 50, कितना टोटल आया, 50, और डिजिट कितनी है ये टोटल, 4, डिवाइड करके जो आएगा वो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है। का सेकंड क्या कह रहा है, टू फाइंड द मीन, तो ये आप कर लोगे, देखिए टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइडेड द टोटल पॉइंट ऑफ 3 या 4, हमें बताना है कि हम जो अगर सी का निकालेंगे, हमने क्या करा, सी का भी हमें मीन निकालना है, तो यहां तो हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, सी में 4 से डिवाइड करेंगे या 3 से डिवाइड करेंगे ये पूछा गया है, तो हम 4 में सी में किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो 3 ही मैचेस खेले हैं, एक जो गेम है वो उसने नहीं खेला है, क्लियर है, हो जाएगा। नंबर 4 है आपका, बी का निकालना है, निकाल लोगे, और फिर नेक्स्ट है आपका हु इज बेस्ट परफॉर्मेंस, तो ये आप बता सकते हो, ठीक है, जब आप तीनों का निकाल लोगे तो किसने बेस्ट खेला वो आपको पता चल जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन साइंस टेस्ट आर, टेस्ट साइंस के कुछ स्टूडेंट है जिनके मार्क्स इस तरीके से आए हैं, आपको बुक में दे रखे हैं, हमें बताना हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, हाईएस्ट कितने हैं और लोएस्ट कितने हैं,
तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं आप जल्दी बताइए। कितने हैं देखिए जल्दी से, क्या है 95। और लोएस्ट, कितने हैं देख के बताइए, 39। फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड में क्या पूछा है, 6 के रेंज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, रेंज निकालनी है तो हाईएस्ट में से लोएस्ट में माइनस कर देंगे। क्या आ जाएगी, 95 माइनस 39, तो जल्दी बताइए कितना आ जाएगा, 56। नेक्स्ट क्या निकालना है, मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय ग्रुप, मीन निकालना है तो जितने मार्क्स दे रखे हैं उनका टोटल करना, और कितने मार्क्स हैं, कितने सब्जेक्ट मतलब कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उसे डिवाइड कर देना। ठीक है, हो जाएगा 10 स्टूडेंट के मार्क्स है, 10 से डिवाइड कर लेना जो भी टोटल आएगा, जो हमें नंबर्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सेम इजी है, क्या निकालना है, मीन निकालना है। कुछ आपको नंबर दे रखे हैं, 6 किस स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, तो इसमें कुछ नंबर दे रखे हैं एनरोलमेंट नंबर, इनको क्या करोगे, प्लस करोगे या अपॉन कर दोगे 6, तो मीन आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, चलिए 8 देखिए। 8 में क्या है, आपको एक इंडेक्स दिए, इंडेक्स में पूछा है फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा। ठीक है, रेंज निकालनी है, रेंज आपको आती है, हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करेंगे। हाईएस्ट देखिए इसमें कितनी है, 20.5 है ना, और लोएस्ट कितनी है, 0.0 माइनस कर देंगे तो रेंज आ गई, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड में मीन निकालनी है, इनको टोटल करोगे और 7 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 7 हमें दिन है, मंडे ट्यूजडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इनका सबका टेम्परेचर बता रखा है, मतलब कि रेनफॉल बता रखा है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे इनको प्लस करने के बाद। फिर इसका थर्ड पार्ट है, ऑन हाउ मेनी डेज वाज रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, हमें बताना है कि जो मीन निकल कर आएगा, मीन निकालने के बाद जो मीन निकल कर आएगा उससे कम कितने दिन रेनफॉल का एवरेज रहा। ठीक है, वो हमें बताना, दिन बताने, तो आप बता देना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करें, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो भी मैं आपको होमवर्क में देने वाली हूँ, ओरली समझाऊंगी क्योंकि बहुत इजी है, मतलब कि सही है। क्या है, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वेयर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट एज शो, कुछ लड़कियां हैं जिनकी हाइट का हमें क्या दे रखा है, डेटा दे रखा है, और ये हाइट किसमें है, सेंटीमीटर में है। फर्स्ट हमें निकालना, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टेलेस्ट गर्ल, मतलब कि सबसे लंबी लड़की की हाइट कितनी है, जल्दी बताइए। इसमें देखिए ये जो हमें नंबर्स दे रखे हैं 151 है। फिर सेकंड में व्हाट इज द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल, छोटी लड़की की हाइट कितनी है, 128 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा, स्मॉलेस्ट हाईएस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस कर देंगे, और व्हाट मीन निकालना है, मीन इन सबको टोटल करेंगे, और कितनी लड़कियों की हाइट है, ये 10 लड़कियों की, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, और हाउ मैनी हैव, तो ये आप बता सकते हो। ठीक है, वो तो आप जब मीन निकाल लोगे उसके बाद ही आप बता पाओगे। तो ये बाकी के क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे दूं, हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।